सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। आज हम स्केल ड्राइंग में 27 नंबर स्केल की कागज बांट करेंगे। इसकी लेंथ है 119 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 38 सेंटीमीटर और हाइट है 75 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ ज़्यादा है, 119 सेंटीमीटर है, तो हमने कागज़ को लेंथ की तरफ रखना है। तो और इसकी हमने जो हाशिया है उसमें हमने लगा दिया है पहले से ही। अब हमने क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ को हमने जोड़ना है, 119 और 38, 157 होता है। इसमें जो फुट्टा यूज़ करने को कहा है वो है 1.8 सेंटीमीटर, ये आप देख सकते हैं 1.8 सेंटीमीटर में फुट्टा यूज हो रहा है। तो हमने यहाँ से अपने लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ 157 सेंटीमीटर हमने काटना है यहाँ से। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा 160 है और 60 में से 4 यदि हम घटाते तो ये होगा 156, तो एक हमारा आ जाएगा यहाँ पे 157 इस तरह से। और हमने इसमें लाइन हम यहाँ से लगा देंगे, न्यून कोण यहाँ से हम बना देंगे। इस तरह से। और हमने इस ये जो रेखा हमारी है इसमें हमने बराबर 3 निशान लगाने हैं, क्योंकि हमने बची हुई शीट के 3 भाग करने होते हैं। तो अपनी मर्जी से हम यहाँ पर कार खोल करके इस लाइन पे हमने 3 निशान लगाने हैं। जैसे हमने लगा दिया 1, 2 और 1, 3। सबसे आसान तरीका है कागज बाट करने का, इसमें हम नाम भी लिख देंगे 1, 2, 3। और हमने जो हमारा ये 3 है इसको हमने लास्ट पॉइंट हमारा जो है ये है, तो यहाँ हमने इसको मिलाना है लास्ट पॉइंट के साथ यहाँ से इस तरह से आप देख सकते हैं। इसी के समानांतर हमने रेखा लगानी है 2 से, इस तरह से। और इसी के समानांतर हम रेखा लगाएंगे 1 से, यहाँ देख सकते हैं ये हमारे जो है वो 3 भाग आ गए हैं इस तरह से। यदि आपने इसको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए 1 भाग है, 2 और 3 बिल्कुल बराबर भाग है। तो अब हमने क्या करना है, हमने लेफ्ट साइड से यहाँ से जो है वो 1 भाग काटना है। ये आप देख सकते हैं ये हमारा 1 भाग आ गया है। वो हमने काटनी है इसमें लेंथ, वो हमारी है 119 सेंटीमीटर है। तो हमने यहाँ से लेंथ लेनी है 119 सेंटीमीटर। ये हमारा है यहाँ पे 112 और 4 16 और 4 20, ये 20 है। तो हमने 1 सेंटीमीटर पीछे यहाँ से ये थोड़ा सा ये आपका 20 में ले जाती है 18 है, ये है 19 इस तरह से। और यहाँ से हमने लेना है 1 भाग, तो हमने प्रकार पहले ही 1 भाग इतनी खोल रखी, मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए 1 भाग के बराबर है। तो यहाँ से हमने ये 1 भाग काटना है, ये हमने काट दिया है। अब हमने यहाँ से काटना है 38 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमने ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 32 और 4 36 और 2 38 बिल्कुल बराबर आ रहा है और 1 भाग हमारा पीछे बच जाता है। तो अब हमने क्या करना है, नीचे यहाँ पे भी हमने यहाँ से 1 भाग हमने काट दिया है। अब हम काटेंगे 119 सेंटीमीटर यहाँ से, ये हमने पहले निशान लगा रखा है 18 पे, तो यहाँ से हमने 119 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद 1 भाग हम फिर काट देंगे, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद हमने काटना है यहाँ से 38 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 38 सेंटीमीटर है और 1 भाग हमारा बच जाता है।
आप चाहो तो यहाँ चेक कर सकते हैं। ये आप देखिए बिल्कुल एक भाग हमारा यहाँ पे बच रहा है, ये देखिए बिल्कुल एक भाग है। तो अब हमने इसको मिलाना है और हमने हल्की लाइनों से इसको मिलाना है। अभी इस तरह से यहाँ से बहुत हल्की लाइनें हम लगाएंगे, क्योंकि वो लाइनें हमें बाद में मिटानी होती है। तो इस तरह से हम हल्की लाइनें लगाएंगे, ये आप देख सकते हैं अभी। इस तरह से ये लेंथ की साइड हमने इसकी कागज बांट कर ली है। वो हमने करनी है हाइट में, तो हमने हाइट इसकी जो हमें दे रखी है 75 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेड्थ है 38 सेंटीमीटर। तो हमने ब्रेड्थ और हाइट को हमने जोड़ दिया है, होता है 113 सेंटीमीटर। तो हमने हाइट की साइड जब भी हम कागज बांट करते हैं हम जो है दोनों को जोड़ते हैं। तो यहाँ से हमने ब्रेड्थ और हाइट को जोड़ करके हमने काटना है 113 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 112 और एक 13 सेंटीमीटर है। बची हुई जो शीट है इसके हमने बराबर 5 भाग करने होते हैं। तो यहाँ से हम न्यून कोण लेंगे जो बची हुई शीट है इस तरह से, और हमने इस जो लाइन पे है वो बराबर हमने 5 निशान लगाने हैं, अपनी मर्जी से लगाने हैं, कोई बंदिश इसमें नहीं है। इस पर हमने निशान लगाने हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरह से इसमें नाम लिख देते हैं, 1, 3, 4 और 5। ये जो हम निशान है पांचवा, ये लास्ट पॉइंट के साथ हमने यहाँ पे मिलाना है इसको इस तरह से। इसी के समानांतर हमने आगे रेखा लेनी है 4, फिर हमने लेनी है रेखा 3, 2 और 1 इस तरह से। ये हमारे 5 भाग हो जाते हैं। हम इसको चेक कर सकते हैं कि हमारे भाग सही हुए, तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। अब हमने क्या करना है, दो भाग जितनी हमने प्रकार खोलनी है, आप कोई से भी दो भाग ले सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल बराबर होगा, ये देखिए आप कोई से भी दो भाग आप ले सकते हैं। और हमने ऊपर से नीचे को जो है वो दो भाग का निशान ऐसे लगा देना है, और उसके बाद हम लेंगे इसमें हाइट। हाइट है इसकी 75 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ से 75 सेंटीमीटर काट देंगे। ये 72 और 2 74 और 2 76, तो इसके बीच में आ जाएगा यहाँ पे 75 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमने एक भाग जितना इसका है उतने हमने प्रकार खोलनी है यहाँ से, ये आप देख सकते हैं एक भाग। अब कोई सा भी आप एक भाग ले सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। यहाँ से हमने एक भाग जितनी प्रकार के निशान लगा देंगे, और फिर हम काटेंगे ब्रेड्थ। ब्रेड्थ हमारी है 38 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये है 32, 32 और 2, 36 और 2, 40। तो ये बीच में हमारा है यहाँ पे 38, और उसके बाद हमारे दो भाग अपने आप बच जाते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या करना है आगे, दो भाग जितनी प्रकार खोलनी है जितना हमारा यहाँ पे है, कहीं से भी आप ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं कोई से भी है। और यहाँ पे हमने जो है वो निशान लगाना है यहाँ से, यहाँ देख सकते हैं दो भाग जितनी हमने प्रकार खोल के निशान लगा दिया है। और उसके बाद हमने काटनी है इसमें हाइट। हाइट है इसकी 75 सेंटीमीटर, यहाँ से हम काटेंगे 75, ये 76, एक हम माइनस कर देंगे 75। और ये हमने प्रकार खोल रखी दो भाग जितनी, तो हमें नीचे से ऊपर को भी दो भाग करने होते हैं। तो मैं यहाँ पे इसके निशान लगा देता हूँ। अभी हमने क्या करना है, ये हमने हाइट काट दी, इसके बाद हमने एक भाग लेना है। तो हम यहाँ पे जितना हमने यहाँ एक भाग छोड़ा है इतने प्रकार हम खोल देते हैं। ये हमने छोड़ा था, यहाँ से हमने ये हमारा एक भाग आ गया। और इसके बाद हम लेंगे इसकी ब्रेड्थ जो कि है 38 सेंटीमीटर, और आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल 38 सेंटीमीटर यहाँ पे हमारा आ रहा है। तो हमने क्या करना है, इसको मिला देना है दोनों साइड यहाँ से। अब हमने क्या करना है, पूरी लाइन हमने नहीं लगानी क्योंकि ये मिटानी पड़ती है। ये हमारी यहाँ पे आएगी इसमें लेंथ, यहाँ आएगी इसमें ब्रेड्थ, मतलब हमारी साइड यहाँ बनेगी। यहाँ हमने हल्की सी लाइन आगे लगानी है इसकी हाइट वाइट लिखने के लिए।
तो यहाँ से हमने इस तरह से ये हमारी पूरी लाइन आई है, क्योंकि एक्स वाई लाइन है, आधार रेखा होती है ये। और यहाँ से हमने ये आप देख सकते हैं, यहाँ हमने इसमें प्लान बनाना होता है, ये हमारा आता है प्रोजेक्शन। यहाँ हम हल्की सी लाइन लगाएंगे इसकी ब्रेथ लिखने के लिए, और यहाँ से ये लास्ट लाइन हमारी है इस तरह से। तो यहाँ पे हम हल्की सी लाइन लगाएंगे, और यहाँ से यहाँ हम लाइन ही नहीं लगाएंगे, यहाँ इस तरह सिर्फ निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ हमने इसका प्रोजेक्शन बनाना है, और प्रोजेक्शन हमारा जो है वो इस तरह से बनेगा, वर्ग जो हमारा बनता है। अब हमने क्या करना है, जो इसमें फालतू लाइनें हैं वो हम यहाँ से इसको मिटा देते हैं। जो हमारी लाइनें हल्की लगी है, इन लाइनों को अब हम डार्क कर देंगे यहाँ पे इस तरह से। ये हमारी है एक्स वाई लाइन है, और यहाँ पे हमने इसकी हाइट जो है वो दर्शानी है यहाँ पे, या हम दर्शाएंगे इसकी ब्रेथ, और यहाँ हम इसकी दर्शाएंगे लेंथ। यहाँ पे इसकी हाइट हम यहाँ दर्शाएंगे 75 सेंटीमीटर, और इसकी ब्रेथ है 38 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ है हमारी 119 सेंटीमीटर। अब हमने यहाँ पे इसमें लिखना है एलिवेशन, साइड, प्लान और स्केल का। इस तरह से हम इसमें एलिवेशन, साइड, प्लान और प्रोजेक्शन लिखेंगे, और यहाँ हमने बनाना है इसमें स्केल कार्ड। तो स्केल नंबर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 1.8 सेंटीमीटर हमने फुटा इसमें यूज किया है, और इस तरह से हमने यहाँ पे स्केल कार्ड भी इसमें बनाना है। ये स्केल नंबर हमारी है 27, ये आपने बनानी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग स्टडी।